क्योंकि दराज में मैं खुद कर रहा हूँ, बहुत पोटेंशियल है दराज में सर। मैंने खुद अभी दराज फरवरी में स्टार्ट किया था 2021 में। मुझे खुद अपने आप पे भरोसा नहीं था कि मैं इतना अर्न कर सकता हूँ, अभी भी नहीं हो रहा कि मैं इतना अर्न कर रहा हूँ। क्योंकि इनकी सक्सेस स्टोरी बहुत बड़ी है, ये महाना 8 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, अमेजोन और दराज दोनों पे ये काम करते हैं। दराज से भी 5-6 लाख रुपया कमा रहे हैं और अमेजोन से भी 2-3 लाख रुपया कमा रहे हैं। हमारी सिस्टर 40 साल की उम्र है, 9 महीने पहले इन्होंने शुरू किया था, राइट नाउ 8 लाख टर्नओवर पर मंथ तक पहुंच चुकी हैं, दराज पे ये सेलिंग करती हैं। आपको पता है जब भी मैं इस तरह की वीडियोस देखता हूं तो मेरे दो रिएक्शन होते हैं, पहला ये और दूसरा ये कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये। तो सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर भी वीडियो बना के उन मासूम लोगों को गाइड कर दूं जो बेचारे इन वीडियोस को देख के मोटिवेट हो जाते हैं और दराज पर काम करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि अब नेक्स्ट मंथ तक हम लोग लखपति बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं होता। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम फिर कितना कमा सकते हैं दराज डॉट पीके से, आइए डिस्कस करते हैं। आर यू रेडी? ओके सो लेट्स स्टार्ट। दराज पे आप कितना कमा सकते हैं ये टोटली डिपेंड करता है दो बातों पे। नंबर वन, आपने दराज में कितनी इन्वेस्टमेंट की है। नंबर टू, आप कितने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब कुछ लोग हैं दराज में जो 1000 रुपये से काम शुरू करते हैं, कुछ 10,000 से करते हैं, कुछ 50,000 से करते हैं और कुछ 1 लाख से, और कुछ इससे भी ज़्यादा। क्या सब लाखों कमाएंगे, 5 लाख 10 लाख जैसा दिखाया जाता है वीडियो में? तो रियलिटी यही है कि दराज में आप सेल तो लाखों की कर सकते हैं लेकिन प्रॉफिट लाखों का नहीं होता इतनी आसानी से। और अगर होता भी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर महीने आपका इतना प्रॉफिट होगा। जितनी भी सक्सेस स्टोरीज मैंने देखी हैं सब में यही कहा जाता है कि हर महीने लाखों कमा रहे हैं। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि बिजनेस में अप एंड डाउन चलते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर आपने 1 महीने 1 लाख कमा ली हैं तो आप हर महीने 1 लाख कमाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई दराज पे नया नया काम शुरू करता है, 1 महीना 2 महीना 6 मंथ भी गुजर जाएं, तब भी वो इस स्टेज पे नहीं पहुंच पाता है कि वो महीने के 8 लाख 10 लाख बनाने लग जाए। टोटली फेक। 8 लाख 10 लाख की सेल हो सकती है, वो भी एडवर्टाइजिंग के थ्रू, VVRO के थ्रू, बट इट डजंट मीन कि आप 8 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं दराज पे। तो ये टोटली मिसगाइड किया जाता है, स्पेशली उन लोगों को जो बेचारे बहुत मासूम होते हैं जो इन सब पे बिलीव करते हैं। 8 लाख प्रॉफिट अगर आप कमा रहे हैं हर महीने दराज में तो इसके बैकहैंड में आपने कितने लाखों इन्वेस्ट किए होंगे वो कोई नहीं बताएगा। आपने क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की होंगी, कितनी एडवर्टाइजिंग की होगी, किस तरह आपने अपने प्रोडक्ट को इस लेवल पे लेके आए होंगे कि डेली के हज़ारों ऑर्डर आपको आ रहे होंगे, ये कोई नहीं बताएगा। तो खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि रियलिटी क्या है और आप रियल में कितना कमा सकते हैं दराज पर। तो मैं एक एवरेज आपको बताऊँगा, कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन रियल यही होगा। जब आप दराज पर काम करना शुरू करते हैं, चाहे 1000 रुपये से करें या 10,000 रुपये से, तो उस वक्त आपका प्रॉफिट जो निकलता है, एक एवरेज में आपको बताऊं तो 5 से 10,000 रुपये निकलता है महीने का। क्योंकि उस वक्त आपको ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं, आपका प्रोडक्ट रैंक नहीं होता बल्कि आप अपनी जेब से लगा के उसको रैंक करने की कोशिश करते हैं। तो या तो आपको प्रॉफिट होता ही नहीं है, आप लॉस में जाते हैं, या अगर प्रॉफिट होता है तो मैक्सिमम 5 to 10,000 रुपीज़ होता है अगर आपने 2 से 3 प्रोडक्ट लगाए हुए हैं। अब बात करते हैं थोड़े बड़े इन्वेस्टर की। लेट सपोज 50,000 रुपीज़ या 1 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस वक्त आपका प्रॉफिट मंथली बनता है एवरेज 30,000 to 40,000। क्योंकि इस सिचुएशन में आप VVRO या एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ ले चुके होते हैं तो आपको अच्छे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं और आपने एक एवरेज 5 से 10 प्रोडक्ट लगाए हुए होते हैं। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि कम से कम इतना होता है। मैक्सिमम की अगर बात करूँ तो इस रेंज की इन्वेस्टमेंट में आपको डेली के 100-200 ऑर्डर्स भी आते हैं तो उस सिचुएशन में आपका प्रॉफिट डबल हो जाता है। मीन्स आप 50,000 से 60,000 तक कमाते हैं मंथली। ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे कि आपका प्रोडक्ट क्या है और कस्टमर्स उसको कितना पसंद कर रहे हैं, कितनी उसकी डिमांड है, कितने उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं।
ये जो मैं आपको प्रॉफिट रेंज बता रहा हूँ, ये मैं उस प्रोडक्ट की बता रहा हूँ जिसकी प्राइस लेस देन 500 रुपीज़ है, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा लेस देन 500 रुपीज़ का प्रोडक्ट चूज करें। अब लास्ट में बात करते हैं उन इन्वेस्टर की जिनके पास ठीक ठाक पैसा है और जो 3 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं दराज पर, तो उनका एवरेज मंथली प्रॉफिट बनता है 1 लाख। बट यहाँ मैं प्रॉफिट की बात करूँ, मंथली प्रॉफिट नॉट सेल्स, और मैक्सिमम वो 2 लाख तक कमा पाते हैं इस इन्वेस्टमेंट में। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि दराज में हर महीने 5 से 10 लाख रुपए कमाने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इतने कमाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा टाइम पे फोकस करना पड़ेगा, मींस आपको दराज पे टाइम लगाना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल। किसी भी बिजनेस में इतनी अर्निंग करने के लिए आपको टाइम लगाना पड़ता है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा, मींस आप सिर्फ दराज पर ही फिक्स होके नहीं रहेंगे, आप फेसबुक इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तभी आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे 5 से 10 लाख रुपए पर मंथ का। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा जो दराज पे काम कर रहे हैं, चाहे वो न्यू हैं या पहले से काम कर रहे हैं, कि आप एक मंथली एवरेज दराज पे कितना कमा रहे हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट 2030 मींस मैं दराज से कितना कमा रहा हूँ, तो इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। एक तो वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि अगर 10K लाइक्स का टारगेट अचीव हुआ तभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं दराज से कितना कमा रहा हूँ। और सेकंड, कमेंट करके मुझे अपनी इनकम बतानी है कि आप दराज से कितना कमा रहे हैं मंथली एवरेज। वैसे आपस की बात है, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे न्यू है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरी वीडियोस आती रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।